Hello everyone. So let us continue with exercise 2.1. Exercise 2.1 का first sum हमने पिछले video में complete किया है. Second sum से start करते हैं. State the signs of the following. Tan 380 degree. तो ये सब sums all easy है. देखिए 380 degree जो है इसका मतलब ये पूरा एक circle 360 degree का मारने के बाद आएगा. तो 360 और ऊपर से और 20 degree. इसका मतलब अगर हम सर्कल देखें तो वो 360 डिग्री पूरा घूम के फिर वापस और 20 डिग्री घूमा है तब जाके वो 380 होता है. तो इसका मतलब ये तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होने वाले हैं. तो इसका मतलब टैन 380 भी पॉजिटिव ही हो. तो वैसे फर्क ही नहीं पड़ता कि टैन की जगह पे साइन कॉस सेक कोसेक कुछ भी होता तो भी आंसर पॉजिटिव ही होने वाला था क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है. बाकी सब क्वाड्रेंट्स के लिए ऐसा नहीं होगा. जैसे आप सेकेंड सम देखिए कॉट 230 डिग्री. अभी हमने कल जो डायग्राम देखा था उसमें हमें पता है कि 180 से 270 के बीच में जो भी एंगल आता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. तो इसीलिए 230 डिग्री को हम लिख सकते हैं इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स के हिसाब से टी जो है टी मतलब टैन या फिर कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और हमें कॉट 230 का ही साइन फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव है. थर्ड वाला जो है ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया है. आप खुद ट्राई कर सकते हैं. आप फाइंड आउट कीजिए कि 468 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. तो सबसे पहले तो आप 360 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 108. अब 108 कौन से क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो तो नेगेटिव होता है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों ट्रिगो रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो इसीलिए सेक 468 नेगेटिव होने वाला है. तो ये मैंने आपको बता दिया लेकिन आप खुद स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे. थर्ड वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सम है. उन्होंने बोला है कॉस 4 रेडियन और कॉस 4 डिग्री ये दोनों का साइन बताइए. तो ये कॉस 4 डिग्री का आंसर तो बहुत सिंपल है. 4 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाला है तो ये देख लीजिए पहले 4 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो cos 4 डिग्री जो है वो पॉजिटिव हो गया. अब cos 4 रेडियन बोला है तो या तो आप इसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर देखिए हमें पता है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री होता है लेकिन पाई का वैल्यू क्या है 3.14. तो इसका मतलब 3.14 रेडियन जो है वो 180 डिग्री है तो 4 रेडियन तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही है तो 4 रेडियन जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है और डेफिनेटली वो इसके इसका 1.5 भी नहीं हो रहा ना मतलब 270 से ज्यादा भी नहीं हो रहा. तो 4 रेडियन जो है वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में आएगा. इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है. इसका मतलब कॉस जो है वो नेगेटिव है और अगर कॉस नेगेटिव है तो कॉस 4 रेडियन नेगेटिव हो जाएगा. और इसके बाद हमें एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने फाइनली कि दोनों में से कौन सा फंक्शन बड़ा है. अब एक जो है वो पॉजिटिव है दूसरा जो है वो नेगेटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला बड़ा है. तो मैंने वहां पे आंसर लिखा नहीं है मैंने आपको आप पे ही छोड़ दिया है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेक्स्ट बुक में से. यहाँ पे उन्होंने बोला है स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज इफ ये दो कंडीशन दिया. तो पहले क्वेश्चन के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि साइन थीटा जो है वो लेस देन जीरो है. तो साइन थीटा लेस देन जीरो कब होता है लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव करेक्ट. सो साइन थीटा लेस देन जीरो सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है क्योंकि ऑल सिल्वर टी कप्स के हिसाब से फर्स्ट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबके सब पॉजिटिव है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव है बट यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि वो नेगेटिव है इसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है. और दूसरे कंडीशन में उन्होंने बोला है कि टैन थीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. अब टैन थीटा ग्रेटर देन जीरो कब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली और थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं. तो अब दोनों में कॉमन कौन आया थर्ड क्वाड्रेंट.
तो इसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक ही क्वाड्रेंट है, जो है थर्ड क्वाड्रेंट। तो आंसर है थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसी तरह आपको सेकेंड वाला करना है, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ सेकेंड वाला, जहां पे कॉस थीटा लेस देन 0 है और टैन थीटा ग्रेटर देन 0। तो आप खुद सॉल्व करेंगे। अभी जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक है, क्योंकि आपको सिर्फ टेबल में से वैल्यूज उठाना है और उसे वैल्यू में पुटअप कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए अब जो फिफ्थ का फर्स्ट सम है वो मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया है, और फिफ्थ का सेकेंड सम मैंने सॉल्व किया क्योंकि मुझे लगा शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें कि इसको ऐड कैसे करें। जैसे कि सबसे पहले तो कोसेक 45 टेबल में देखेंगे तो रूट टू होता है, कॉट 45 1 होता है और टैन 0 डिग्री 0 होता है। अब ये दोनों को ऐड किया ही नहीं जा सकता, तो उसे एज इट इज छोड़ देंगे, आपके लेवल पे उसे यही पे छोड़ देंगे कि √2 + 1। तो इसीलिए बाकी दोनों जो सम्स है आप खुद ट्राई करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर से आपको सिर्फ ये चार सम्स जो है वही सॉल्व करने हैं। आगे का तो टॉपिक थोड़ा सा अलग है, इसके लिए मैंने यहीं पे ब्रेक ले लिया, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसे हम उसमें हम ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।